आज हम बनाने वाले हैं आलू की लच्छेदार सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, स्पाइसी बनेगी और खाने में आपको इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही लगेगा। तो चलिए इस टेस्टी आसान सी सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आलू की लच्छेदार सब्ज़ी बनाने के लिए दो आलू लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के, इसे हम पील कर लेंगे। तो यहाँ दोनों आलू हमने पील कर लिए हैं और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के लिए इस तरह का छोटा वाला ग्रेटर आता है, आप ये ले सकते हैं, या फिर इस तरह का बड़ा ग्रेटर भी आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, जिसके भी जिस तरह से आपको लच्छे निकालने हो। तो यहाँ मैं बड़ा वाला ही यूज़ करूँगी, इससे थोड़े मीडियम साइज़ के ही आलू के लच्छे निकल आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह के ही हमें आलू निकाल लेने हैं, ना ही ज़्यादा मोटे हैं ना ही ज़्यादा ये पतले हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के ही हमें इसी तरह से आलू निकाल लेने हैं। तो यह दोनों ही आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे, इससे क्या होगा आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे। अब इसे हम एक साइड रखेंगे जब तक हम इसको कुक करने की तैयारी करेंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और ऑयल जैसे गर्म हो जाता है तो 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 2 पिंच हम हींग डालेंगे, और 1 बड़े साइज़ की प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है इसे डालेंगे। प्याज का कलर हमें डार्क नहीं करना है, सिर्फ हल्का गुलाबी कलर होने तक ही इसे फ्राई करेंगे। और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ग्रेट करा हुआ अदरक, और 2 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, और 2 मिनट तक इसे भी हम प्याज के साथ में ही फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गुलाबी सी होने लगती है तो मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे बारीक काट कर ही लिया है हमने, इसे डालेंगे साथ में पकाएंगे। यहाँ मैंने कुछ करी पत्ते लिए हैं, इसे डाल देंगे। आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो करी पत्तों को पहले ही डालें, मैं करी पत्ते डालना भूल गई थी तो मैंने टमाटर के साथ में ही इसे डाल दिया है, अब साथ में ही पका लेंगे। अब टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी है इस पॉइंट पे। अब 2-3 मिनट हो गए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं आप देख सकते हैं। अब यहाँ आलू को भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और हमारे जो मसाले हमने भून कर रखे हैं ना इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स करते हुए पकाएंगे। और अभी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखा है, पहले हम अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो करते हुए पकाएंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे अब हम स्लो फ्लेम करते हुए कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे और इसे हम चला लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि आलू की सब्ज़ी हमारी तले पर लगे नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे बिल्कुल, और वापस से हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ना, तो इसलिए तले पर सब्ज़ी हमारी लगी भी नहीं है और अच्छी तरह से कुक भी हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी कितनी अच्छी दिखाई भी दे रही है और अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो यहाँ लास्ट में हम डालेंगे इसमें मैगी मसाला मैजिक, इसका पूरा 1 सेशे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह की आलू की लच्छेदार सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली रेडी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आपने देखा कितना आसान है इस आलू की लच्छेदार सब्ज़ी को बनाना, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है यकीन मानिए खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप भी इस टेस्टी मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाकर देखें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी आलू की लच्छेदार सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी।